फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। देखिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब एसएससी ने एक बहुत ही तगड़ा स्टेप उठा लिया है रिगार्डिंग फ्यूचर एसएससी एग्ज़ाम। अब आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसएससी ने कुछ पेनल्टीज़ वगैरह लगाई हैं, ठीक है, ये मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। हाँ फ्रेंड, वीडियो शेयर करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये एसएससी स्मार्ट क्लासेस मेरा चैनल है। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूँ आरटीआई रिप्लाई के रिगार्डिंग। आपकी मुश्किलें जो है वो आसान कर देता हूँ। नीचे वीडियो के रेड कलर का एक सब्सक्राइब कर का आइकन बना हुआ, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बेस्ट से बेस्ट मैंने एडवांस लेवल और मैथ्स की वीडियो बनाई है तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बेस्ट चैनल है। और ये जो नोटिफिकेशन बेल है, ये आपका नोटिफिकेशन बेल इस तरह का होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी। आपके पास फाइनल बेल आइकन जो है वो इस तरह का अपीयर होगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो सर्विस लीगल एग्रीमेंट है एसएससी के, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर को वो क्या क्या है, ठीक है। ये एसएससी ने एक तगड़ा स्टेप लिया है रिगार्डिंग फ्यूचर एसएससी एग्ज़ाम्स। अब भविष्य में एसएससी एग्ज़ाम डिले नहीं होंगे। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इन ऑल आइडेंटिफाइड प्लांट वैल्यूज़, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो सारे आइडेंटिफाइड प्लांट वैल्यूज़ में किस तरह से कंडक्ट होगा। यहाँ पे पेनल्टी लिखी हुई है, बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए। इफ़ द एग्ज़ाम कुड नॉट बी कंडक्टेड इन एन एग्ज़ाम वैल्यू। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरी वीडियोज़ में, मैं वो सारे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अलग अलग वीडियो के माध्यम से। 3 से 4 वीडियोज़ में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है और जो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहरहाल जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और अगर मेरे प्रयासों में कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए। मैंने तो अपनी बेस्ट से बेस्ट ट्राई की है, आप तो मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट समझाने के लिए, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड इन एन एग्जाम वेन्यू ड्यू टू लैक ऑफ सर्विस नॉट प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कह रहे हैं अगर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विसेज टाइम पर नहीं कंडक्ट हो पाई तो एक पेनल्टी लगेगी, ठीक है। पेनल्टी कितनी लगेगी? ए पेनल्टी ऑफ बेसिक ट्रांजेक्शन फीस इन टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर डेट वेन्यू। कितनी अच्छी चीज़ है ये, यानी कि बेसिक ट्रांजेक्शन फीस कितनी होती है प्लस कितने कैंडिडेट ने उस वेन्यू के लिए रजिस्टर किया है, इतनी पेनल्टी फीस उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका री एग्जामिनेशन फॉर द वेन्यू शिफ्ट फॉर ऑल द अफेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट बी कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 2 वीक्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ डेट एग्जामिनेशन। यानी कि ये बहुत ही तकड़ा जो स्टेप उठाया है एसएससी ने, बिल्कुल तकड़ा स्टेप, यानी कि ये इतनी पेनल्टी देने के बाद भी वो री एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन उसकी उस वेन्यू उतने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए उनको कोई फीस जो है वो एसएससी जो है उनको कोई फी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका इफ़ एग्ज़ाम इन अ वेन्यू पार्ट ऑफ वेन्यू इज डिलेड फॉर मोर देन 30 मिनट्स देन अ पेनल्टी ऑफ। अगर एग्ज़ाम इन अ वेन्यू पार्ट ऑफ वेन्यू इज डिलेड फॉर मोर देन 30 मिनट्स देन अ पेनल्टी ऑफ 50% ऑफ द बेसिक ट्रांजेक्शन फीस एंड into the number of affected candidates for that venue will be imposed। यानी कि अगर एग्ज़ाम किसी भी वेन्यू में जो एग्ज़ाम है वो 30 मिनट से ज़्यादा का जो है वो लेट होता है तो एक पेनल्टी उनको लगाई जाएगी। कितनी? बेसिक ट्रांजेक्शन फीस की 50% इंटू द नंबर ऑफ अफेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर डैट वैल्यू विल बी इम्पोस्ड। तो ये बहुत अच्छा कवर वो लगाया था इन्होंने। उसके बाद देखिए अवेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट मैन पावर इन ईच ऑफ द शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एट। आपको भी पता है जो मैन पावर है रिगार्डिंग इसके वीडियो में बनाऊंगा कि जो मैन पावर है उन्होंने हर एग्जामिनेशन वैल्यू के लिए मैन पावर जो है वो लगाई है, तो उसमें क्या है ये पेनल्टी ऑफ 10,000 पर्सन पर शिफ्ट इन केस ऑफ नॉन अवेबिलिटी ऑफ मैन पावर। यानी ये जो मैन पावर की नॉन अवेलेबिलिटी, जहाँ पर अगर हर वेन्यू पे इन्होंने एक मैन पावर लगाया, उसमें एक कोऑर्डिनेटर होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अगर वो किसी जगह पे नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो एक पेनल्टी लगाई जाएगी पर शिफ्ट के लिए 10,000 रुपये की। हर शिफ्ट में अगर वो एबसेंट होगा तो 10,000 रुपये पेनल्टी के उनको लगेंगे, ठीक है, एज़ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो ये प्रपोजल जो रिक्वेस्ट के लिए रखा गया था, रिक्वेस्ट प्रपोजल, वो सारा जो वो लिखित में है वो सारा उनको मानना पड़ेगा, उस पर बेसिक सिग्नेचर्स वगैरह सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया, उसके बाद देखिए ये पेनल्टी ऑफ 1,000 पर वेन्यू पर शिफ्ट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एज पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यानी कि लैब सुपरवाइज़र
इन्विजिलेटर और सिक्योरिटी, अगर ये एबसेंट रहेंगे तो 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी अगर हर शिफ्ट की उस पर। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ 10% बफर कंप्यूटर नोट्स इन ईच एग्जामिनेशन वेन्यू। हर एग्जामिनेशन में किस चीज़ का प्रावधान उन्होंने किया था, 10% बफर कंप्यूटर नोट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो बफर कंप्यूटर नोट्स 0 to 10% अगर इनके बीच में रहा तो आपका जो पेनल्टी है वो 10,000 रुपीज़ पर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस, तो वो करवाएंगे। और उसके बाद 5 से 10 का बफर कंप्यूटर जो होगा वो 5,000 रुपये पर शिफ्ट। उसके बाद देखिए आपका अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस, तो एनी डेफिशिएंसी इन अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस विल इनवाइट अ पेनल्टी ऑफ 5,000 पर मशीन पर शिफ्ट। उसके बाद कैमरे का जो सर्विलेंस है वो भी सारे इनको करना पड़ता है, कोई भी डिफेक्ट पाया गया तो फिर 10,000 पर शिफ्ट उनको देना पड़ेगा। और 6th है आपका, इफ़ एरर इज़ फाउंड इन द स्कोर एज़ पर डिफाइंड स्टैंडर्ड ड्यूरिंग रिजल्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि पेनल्टी लगेगी 50% ऑफ द बेसिक ट्रांजेक्शन फीस इंटू द नंबर ऑफ स्कोर अफेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द वर्क ऑर्डर फॉर दैट एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे वो है कि आपके स्कोर्स में अगर एरर्स मिली आपको, ठीक है, कि आपके इतने नंबर बन रहे हो, आपके आए इतने, तो उसमें इनको पेनल्टी इतनी लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 100% कैप्चर ऑफ बायोमेट्रिक एंड फ़ोटो कैप्चर बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये तो इतना नहीं है, फ़ोटो से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा, तो कोई ज़्यादा इसमें इशू की बात नहीं है। एग्ज़ाम आंसर एंड क्वेश्चन कीज गेट लीक बिफोर द एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन से पहले अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन या आंसर लीक होते हैं तो इसमें आपको 200% की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। पेनल्टी अप टू 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शिफ्ट, ठीक है, विल बी इम्पोस्ड, ठीक है। ये तो बहुत ही तगड़ा वो है, ठीक है, यानी कि उस शिफ्ट में, उस शिफ्ट के लिए जितनी उनको फीस जो हुई थी, ठीक है, उसके लिए 200% की पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ द शिफ्ट, उस शिफ्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, जो उनको अमाउंट मिलनी थी, जो फीस उनको मिलनी थी, उसका 200% को पेनल्टी देना पड़ेगा। और री एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट करवाएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कोई करेगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज इतना घाटा उनको झेलना पड़ेगा अगर कोई भी आंसर की वो लीक करवाएंगे। उसके बाद देखिए अलॉटमेंट ऑफ रॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम का जो रॉन्ग डिसीजन है उसकी अलॉटमेंट, तो यानी कि कंडक्ट एग्जामिनेशन अगेन फॉर कैंडिडेट प्लस पेनल्टी भी उनको मिलेगी। पेनल्टी कैसे मिलेगी, जो बेसिक ट्रांजेक्शन फीस है प्लस इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अफेक्टेड। सो ये है रॉन्ग ड्यूरेशन, ये तो इतना खैर नहीं है, सो दिस इज़ अबाउट दिस। उसके बाद 10th भी है आपका, ये आपका है डिले इन द सबमिशन ऑफ स्कोर्स, नो पेनल्टी फॉर द सबमिशन ऑफ स्कोर अप टू 2 डेज, लेकिन तीसरे दिन से 10 दिन तक, ठीक है, ये पेनल्टियाँ लगेंगी। फिर 11 से 20 दिन के, और फिर बियॉन्ड 20 डेज़ के बाद कितनी पेनल्टी लगेंगी, 20% ऑफ द टोटल बेसिक ट्रांजेक्शन फीस सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 20,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए एरर इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 2 to 4% अगर एरर है आपकी, ठीक है, 2 to 4% एरर इन द क्वेश्चन और आंसर और बोथ, पेनल्टी ऑफ ₹10 इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद एरर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैंडिडेट इन डेट शिफ्ट, यानी कि इतनी सारी पेनल्टियाँ उन्होंने लगा दी हैं, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दी हैं, ठीक है, इनको रिक्वेस्ट और प्रपोजल में, ठीक है, एक एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें जो हैं उनको माननी पड़ेंगी, ठीक है, तब जाके वो रिक्वेस्ट और प्रपोजल फाइनल होगा। इसी वजह से SSC को जो है वो इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद देखिए अबव 4%, ठीक है, 4% से अबव पे कितनी पेनल्टी लगेगी, ₹25 कर दिया गया है। उसके बाद देखिए अटेंडर शीट अपलोड करने में, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद आपका ये है, ठीक है, ये आपका बस लास्ट है। उसके बाद देखिए डिस्पैच ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ अटेंडेंस शीट एंड कमीशन कॉपी टू दे, कमीशन की इन्फॉर्मेशन, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी, दो छोटे मोटे और पॉइंट्स हैं वो भी मैं फटाफट से कम टाइम में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, कोरम पे, FB ग्रुप्स में, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो आप शेयर कर देना, इतना प्रयास तो आप कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।